अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي ومن ولد فاطمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم बुजुर्गान मोहतरम नौजवान अजीज़, गुज़िश्ता जुमा क़यामत की जो निशानियाँ हैं उन निशानियों पर कुछ बातें अर्ज़ की गई थीं और ये वादा किया गया था कि इंशाअल्लाह ताला आज के इस जुमा में क़यामत के करीब एक बड़ी जो अलामत ज़ाहिर होगी उसके सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ की जाएंगी। क़यामत किसको कहते हैं? जिस तरह इस दुनिया की एक इब्तिदा है इसी तरह इस दुनिया की एक इंतहा है, उसी इंतहा को क़यामत कहा जाता है। क़यामत के बारे में हम मुसलमानों का क्या अकीदा होना चाहिए? ऐसे तो हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर भी ईमान रखता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखता है और इसी तरह आखिरत पर भी ईमान रखता है। ये बुनियादी तीन अकीदे हैं जिस पर हर मुसलमान को ईमान रखना है, यकीन रखना है। इसके बग़ैर कोई मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता। तो क़यामत के बारे में हर मुसलमान यकीन रखता है कि एक ना एक दिन क़यामत आएगी, लेकिन जिस तरह तफसील के साथ हमें अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, जैसे हमें इसका इल्म पूरा नहीं है और ना हम जानने की कोशिश करते हैं, पैदाइशी हम मुसलमान हैं तो हम ये समझते हैं कि हम
मुसलमान हैं, बस जो कुछ जानते हैं उसी पर बस है, उससे आगे और क्या मालूम करने की ज़रूरत है। क़यामत के बारे में हमारा अकीदा ये होना चाहिए, इसको बहुत गौर से सुने, कि जब अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया को ख़त्म करने का इरादा फरमाएंगे तो अल्लाह ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंके। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, ये क़यामत की इब्तिदा यहाँ से होगी। और ये जो सूर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे जिससे क़यामत की इब्तिदा होनी है, वो जुमा का दिन होगा, सुबह का वक्त होगा, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख होगी। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जब सूर फूंकेंगे तो उस सूर से एक आवाज़ निकलेगी, वो आवाज़ शुरू में बहुत धीमी होगी, बहुत सुरेली होगी, जिसको हर इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद सब सुनेंगे। और जैसी जैसी आवाज़ बढ़ती जाएगी तो सब घबराकर, हैरत में मुब्तला होकर इधर उधर भागने लगेंगे। फिर उसके बाद ये आवाज़ और शिद्दत इख्तियार करेगी, बड़ी ख़तरनाक आवाज़ होगी जिससे लोगों के कलीजे फट जाएंगे। और सिर्फ इंसानों पर इसका असर नहीं होगा बल्कि पहाड़ों पर भी इसका असर होगा। इसी आवाज़ की वजह से पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर रुई की तरह उड़ने लगेंगे, आसमान फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, यहाँ तक के सब ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात बाकी होगी। और सबसे आखिर में मौत जिसको आएगी वह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम होंगे, मलकुल मौत को सबसे आखिर में मौत आएगी। जब सब मर जाएंगे सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी तो फिर दोबारा अल्लाह तबारक व ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाएंगे और फिर हुक्म होगा कि सूर फूंको। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे और ये तकरीबन 40 साल के बाद होगा। 40 साल के बाद दोबारा जब हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो फिर दुनिया का निज़ाम जैसे पहले था वैसे कायम हो जाएगा, मुर्दे कब्र से निकल जाएंगे, सब जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला के सामने सबको पेश किया जाएगा, मुझे और आपको सबको अल्लाह ताला के सामने एक दिन पेश होना है। इसी पेशी के दिन को क़यामत कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है सूरह ज़ुमर में, वनुफिका फिस्सूर फसअक मन फिस समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शा अल्लाह थुम्मा नुफिका फीही उखरा फैज़ाहुम क़ियामुन यंज़ुरून। कि पहला जब सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन और आसमान में जितने हैं सब बेहोश हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। फिर दोबारा जब सूर फूंका जाएगा तो सब दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, कब्र से सारे मुर्दे उठकर खड़े हो जाएंगे। अब अल्लाह के सामने पेश होना है, एक एक चीज़ का हिसाब देना है, सारे आमाल उसके सामने होंगे और सब महफूज होगा, सब रिकॉर्ड होगा। किरामन कातिबीन के पास भी रिकॉर्ड है, अल्लाह के इल्म में भी मौजूद है
और बेशुमार गवाहियां देने वाले मौजूद। जमीन भी गवाही देगी, जिस जगह इंसान गुनाह करता है वो जमीन भी गवाही देगी, इंसान के आज़ा गवाही देंगे। एक तराजू कायम किया जाएगा, उसमें हमारे नेक आमाल को तोला जाएगा। फिर जहन्नम की पुश्त पर, जहन्नम की पीठ पर अल्लाह ताला पुल सिरात को लगाएंगे, जो बाल से बारीक होगी तलवार से ज्यादा तेज होगी, उस पर से हर एक को गुजरना होगा। जिसके जैसे आमाल होंगे अपने आमाल के मुताबिक वो उतनी तेजी के साथ उससे गुजर जाएगा, आमाल ही काम आएंगे। ना माल दौलत, ना औलाद, ना ओहदे कुछ काम नहीं आएंगे, आमाल काम आएंगे। जितने ज्यादा आमाल होंगे और जितने अच्छे आमाल होंगे उन आमाल के मुताबिक वो तेजी के साथ गुजर जाएगा। और फिर अल्लाह तबारक व ताला जो जन्नती होंगे उनको जन्नत में भेज देंगे। उससे पहले अल्लाह ताला मौत को दुम्बे की शक्ल में लाएंगे और दुम्बे की शक्ल में लाकर सबके सामने उस दुम्बे को जुबाह किया जाएगा, यानी सबको ये बता दिया जाएगा कि अब किसी को भी मौत नहीं आनी है, मौत को भी अब मौत आ चुकी है, अब किसी को भी मरना नहीं है। क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, ये हमेशा हमेशा के लिए। ये है क़यामत जिसका हम सबको भी यकीन रखना है, अकीदा रखना है। लेकिन इस क़यामत के आने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी निशानियां हमें बताई हैं, अलामतें बताई हैं, जिनसे हमें यह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब क़यामत करीब है। उसमें कुछ अलामतें छोटी हैं जिनको अलामत सुगरा कहा जाता है, और जो बिल्कुल क़यामत के करीब वाकई होंगी वो अलामत कुबरा है, बड़ी अलामतें। छोटी अलामतें क्या होंगी उसका कुछ जिक्र गुज़िश्ता जुमा भी हुआ और इससे पहले भी जब भी मौका आता है उस पर रोशनी डाली जाती है कि क़यामत के करीब क्या क्या होगा। अलामतें सुगरा, छोटी छोटी अलामतें जो इस वक्त हमारे सामने हैं, उनमें से एक अलामत ये होगी कि उलमा को कत्ल किया जाएगा, उलमा पर बड़ा जुल्म और सितम होगा। आज देखें आप सऊदीया में हरम के जो उलमा हैं, हरम के जो अइम्मा हैं, कई सौ उलमा को वहाँ जेल में डाल दिया गया है और जेलों के अंदर उन पर जुल्म और सितम हो रहा है, वहीं उनका इंतकाल हो रहा है जिन्होंने कई कई साल हरम में इमामत की है। उनकी गलती क्या है, उनका जुर्म क्या है? सिर्फ उन्होंने वक्त का जो हुक्मरान है उसके खिलाफ बात की है, इंसाफ की बात की है। और किसी इमाम ने जालिमों के लिए बद्दुआ की हरम में, किसी ने अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ कुछ कहा और किसी ने मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए दुआ की, सब सिर्फ इतनी इतनी बातों पर उनको आज जेल के अंदर डाल दिया गया। बड़े बड़े उलमा जिन्होंने कई कई किताबें लिखी हैं वो आज भी जेलों में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब उलमा पर बड़ा जुल्म होगा, कत्ल किया जाएगा और लोग उलमा से भागने की कोशिश करेंगे। आज देखें आप बहुत सारे लोग
अपने मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा के जरिए से हल करने के बजाय वो चाहते हैं कि दूसरों से हल कराए। कभी उलमा को क्या मालूम है, वो तो सिर्फ मस्जिद में रहते हैं, मदरसे में रहते हैं। हम अपना मसला हम खुद हल करेंगे, हम बड़े हैं, हमारा तजर्बा ज्यादा है। और फिर वो लोग अल्लाह ताला उनको सजा के तौर पर गैरों के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। पुलिसों के सामने जाकर झुकेंगे, लायरों के पास जाकर झुकेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, गैरों के सामने जिनको पेशाब करने तक का तरीका नहीं मालूम है उनसे अपने मसाइल हल करने के लिए जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वह एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, वह एक सजदा जिसे तू गिना समझता है हजारों सजदों से नजात देती है। अल्लाह के सामने एक सजदा कर ले, तेरे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर तू अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा, एक सजदा करने के लिए तैयार नहीं होगा, हजारों लोगों के सामने जाकर तुझे सजदा करना पड़ेगा। मसला कुरान और हदीस से हल कर ले, अल्लाह आफियत अता करेंगे, मसाइल को हल करेंगे। हर मसले का हल कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। हम अपने झगड़े कुरान और हदीस से हल करने के बजाय लायरों से हल करना चाहते हैं, रोबदारों से हल करना चाहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, मार पर मार खा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपने जो भी झगड़े हैं, घरेलू झगड़े हो, अपने तिजारत के झगड़े हो, या कोई और झगड़े हो, उन सब झगड़ों का हल अल्लाह ने कुरान और हदीस के अंदर रखा है। अब ये कुरान और हदीस से हल करना है तो उलमा के पास आपको जाना पड़ेगा। अपने आप को छोटा समझें, अपने अंदर से तकब्बुर को निकालें। अल्लाह ताला मसाइल को हल करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के करीब लोग उलमा से भागेंगे। क्या होगा? तीन अजाब में मुबतला होंगे। एक ये कि रिस्क की बरकत खत्म हो जाएगी, रिस्क की बरकत खत्म हो जाएगी। घर का हर फर्द कमा रहा है, महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है, बारिश की कसरत के बावजूद गल्ले नहीं उग रहे हैं। ये सब रिस्क की बरकत खत्म होने की अलामतें हैं। और फरमाया दूसरा यह कि जालिम बादशाहों को उन पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। और तीसरी सजा, और जो बहुत ही खतरनाक है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, लोग जब उलमा से भागेंगे तो अल्लाह ताला मौत के वक्त उनको कलीमा नसीब नहीं फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानियां बयान की हैं, वो निशानियां आज हमारे सामने हैं। अलामात सुगरा, जो छोटी छोटी अलामतें हैं। और फिर उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म होगा उस वक्त जब क़यामत की बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी। क़यामत की जो बड़ी अलामतें हैं उनमें हज़रत महदी का ज़ाहिर होना है, दज्जाल का निकलना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना है, आसमान से उतरना है, याजूज माजूज का निकलना है, दज्जाल निकलेगा उसको कत्ल किया जाएगा, और फिर एक आग निकलेगी, और उस आग निकलने से पहले दाबतुल अर्ज़, जिसका जिक्र गुज़िश्ता जुमा किया गया कि एक जानवर निकलेगा सफा पहाड़ी से, जो लोगों से बात करेगा, और एक धुआं आसमान से बहुत ही खतरनाक निकलेगा जिससे सब लोग बेहोश हो जाएंगे।
फिर उसके बाद एक आग निकलेगी। ये सब वो बड़ी अलामतें हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी। उन अलामतों में से एक अलामत जो सबसे बड़ी अलामतों में सबसे पहली है, जो सबसे पहली है बड़ी अलामतों में, वह हज़रत मेहदी का जाहिर होना है। अब ये हज़रत मेहदी कौन होंगे, इनकी तफसीलात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में बड़ी तफसील के साथ इसको जिक्र फरमाया है। कई हदीसें इस पर हैं, क्या क्या अलामतें होंगी, क्या निशानियां उनकी होंगी। अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने 200 अलामतें उनकी बयान की हैं, हजरत मेहदी की 200 अलामतें। अब आप बताएं, इतनी अलामतें हदीसों के अंदर मौजूद हैं कि ये हजरत मेहदी के अंदर होंगी। इतनी अलामतों के होने के बावजूद आज उम्मत धोखा खा रही है। जो भी मेहदी होने का दावा कर रहा है, लोग जो है उसके पीछे चल रहे हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से बस एक हिदायत है कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की गुमराहियों से बचा कर रखा है, इस तरह के फितनों में मुबतला होने से अल्लाह ने बचाया है। अच्छे दीनदार लोग भी बज़ाहिर कोई शकील बिन हनीफ को मान रहा है, कोई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मान रहा है, कोई यूनुस गौहर को मान रहा है। कई लोगों ने मेहदी होने का दावा किया और सबसे ज़्यादा ईरान में दावा करने वाले हैं, शिया कबीले में सबसे ज़्यादा मेहदी होने का दावा करते हैं। इस वक्त भी 4,500 लोग जिन्होंने मेहदी होने का दावा किया आज ईरान के जेलों में पड़े हुए हैं, सिर्फ उस एक मुल्क के अंदर। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो अपने आप को मेहदी होने का दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। हजरत उलमा इकराम इस तरह की जब भी फितने उठते हैं फौरन उसको दबाने की कोशिश की जाती है और उसकी हक्कानियत को जाहिर की जाती है और उसके बातिल होने को साफ जाहिर किया जाता है। हज़रत मेहदी कौन होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल महदी मिन इत्रती, हज़रत मेहदी जो होंगे वो मेरे खानदान से होंगे, वो मिन उल्दी फातिमा, और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। ये बड़ी अलामत है कि आप यानी हजरत मेहदी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में पैदा होंगे और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। नाम क्या होगा ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ताकि मेरी उम्मत धोखा ना खाए। फरमाया उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह होगा, यानी नाम उनका मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। बाज़ों ने नकल किया है कि वालिदा का नाम आमीना होगा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम था। और फिर उनका चेहरा कैसा होगा, पेशानी उनकी जो होगी वो कुशादा होगी, पेशानी चौड़ी होगी, नाक उनकी बुलंद होगी जो खूबसूरती की अलामत होती है। उनके अखलाक और उनकी सीरत वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सीरत के मुशाबे होंगे। वो नबी नहीं होंगे, उन पर वही नहीं आएगी, वो नबूवत का दावा नहीं करेंगे, मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे और वहीं उनकी तरबियत उनकी परवरिश होगी। तकरीबन 40 साल मदीना मुनव्वरा में रहेंगे और उस वक्त
पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और सितम बहुत ज्यादा होगा। हालात बड़े अजीब और गरीब होंगे, लोग परेशान होंगे, जुल्म पर जुल्म होता रहेगा। और मदीना मुनव्वरा में एक खलीफा जो होंगे उनका इंतकाल हो चुका होगा। अब लोग ये चाहेंगे कि किसी को खलीफा बनाएं, तो हजरत मेहदी मदीना मुनव्वरा से निकलकर इस डर से कि कहीं मुझे खलीफा ना बना दिया जाए, कहीं ये मनसब मुझे ना दे दिया जाए, इस डर के मारे हजरत मेहदी मदीने से निकलकर मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। दावा नहीं करेंगे खुद कि मैं ही मेहदी हूं, आओ मेरे ऊपर बैत करो। जो इस वक्त जितने मेहदी हैं वो सब दावा कर रहे हैं कि मैं मेहदी हूं, मुझे मेरे ऊपर बैत करो, मेरी बात सुनो। हजरत मेहदी कभी दावा नहीं करेंगे, वो डर के मारे मदीने से निकलकर मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। याद रखें, जो भी मुखलिस होता है वो कभी ओहदा लेना नहीं चाहता, वो ओहदे से भागता है। उसे मालूम है कि ये ओहदा मिलेगा तो फिर कल कयामत के दिन मुझे उतना ही जवाब भी देना है। इसलिए हमेशा याद रखें, कभी ओहदा कबूल ना करें। कभी किसी इदारे के सदर सेक्रेटरी और फुला फुला ओहदे के लिए ना भागें। अल्लाह के पास कल कयामत में जवाब उतना ही ज्यादा देना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि तमाम अंबिया में सबसे आखिर में जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि सबसे बड़े वो बड़े बादशाह थे। अल्लाह ने बादशाहत अता की थी, नबूवत भी अता की थी, तो सबका हिसाब देना है। तो तमाम अंबिया में सबसे आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जाएंगे। ओहदा कभी कबूल नहीं करना चाहिए, ओहदे से भागना चाहिए। सहाबा इकराम हमेशा ओहदे से भागा करते थे। दिल के अंदर भी बात नहीं आनी चाहिए कि मुझे बना दिया जाए। एक बाज लोग जो है, मैं बनना नहीं चाहता हूं, लेकिन अंदर होता है कि मुझे बना दिया जाए। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ओहदा मांग कर लेता है उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं होती है। जिसको ओहदा दे दिया जाए जबरदस्ती कि नहीं भाई आप इस काबिल हैं, आप ये ओहदा संभालें, तो फिर अल्लाह की मदद होती है। जो मुखलिस होता है वह हमेशा ओहदे से भागा करता है। हजरत मेहदी भागेंगे कि कहीं मुझे खिलाफत न दे दी जाए, मुझे खलीफा न बना दिया जाए। मक्का मुकरमा पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम काबतुल्ला में, जो हजरे अस्वद है और मकाम इब्राहिम है उसके दरमियान पहुंचेंगे। लोग पहचान जाएंगे कि ये हजरत मेहदी हैं और लोग जो है उनसे बैत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आसमान से उस वक्त एक आवाज भी आएगी, हाजा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्माउ लहू वातीउ, कि ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं, इनकी बात सुनो और इनकी इताअत करो। इस आवाज को हर आम आदमी भी, खास आदमी भी सुनेगा। फिर लोग उनके ऊपर बैत करेंगे और उसके बाद हजरत मेहदी वहां से अपनी लश्कर को लेकर निकलेंगे। एक लश्कर उनका मुकाबला करने के लिए मुल्क शाम से आएगा, तो मकाम बैदा जो मक्का मुकरमा के करीब है वहां तक पहुंचेगा तो वो सारा का सारा लश्कर जमीन में धंस जाएगा। लोग इसको भी देखकर पहचान जाएंगे, हर एक को मालूम हो जाएगा कि अब हजरत मेहदी जाहिर हो चुके हैं। ये वो अलामतें हैं जिनसे साफ साफ मालूम हो जाएगा कि हजरत मेहदी कौन है। इस वक्त जो दावे कर रहे हैं वो छुपकर यहां वहां बैठकर पुलिसों का सहारा और यहूदियों का सहारा लेकर अपने मेहदी होने का दावा कर रहे हैं, डर है कि कहीं निकलेंगे तो कत्ल न कर दिया जाए। हजरत मेहदी तो पूरे लश्कर को लेकर निकलेंगे, मक्का मुकरमा से निकलेंगे, बहुत सारे काफिरों से वगैरह से जंग करते हुए आप बैतुल मुकद्दस पहुंचेंगे।
40 साल की उम्र होगी जब आपको खलीफा बनाया जाएगा। और हजरत मेहदी के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का यानी उनका मकाम, उनकी फजीलत क्या है, हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ऊंचा मकाम इस उम्मत में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का है, फिर उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का। तो ये खुलाफाए राशिदीन है, इन खुलाफाए राशिदीन के बाद हजरत मेहदी का नंबर आता है, वो अफजल हैं हजरत मेहदी। लेकिन हजरत अबू बकर हजरत उमर खुलाफाए राशिदीन के बाद इनका मकाम है। 40 साल की उम्र में खिलाफत मिलेगी, खिलाफत दी जाएगी, खलीफा बनाए जाएंगे, और फिर उसके बाद हजरत मेहदी 7 साल पूरी दुनिया के अंदर अदल व इंसाफ को आम कर देंगे। जो जुल्म सितम था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, खूब बारिशें होंगी, बहुत अच्छी हालत में लोग पहुंचेंगे, बहुत सुकून वाली ज़िंदगी उनको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त मेरी उम्मत को जितनी अच्छी हालत मिलेगी ना उससे पहले मिली होगी ना उसके बाद मिलेगी, इतनी अच्छी हालत में लोग पहुँच जाएंगे। 7 साल गुजरने के बाद दज्जाल निकलेगा, दज्जाल का खुरूज होगा, और फिर दज्जाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। आसमाने दुनिया से 2 फरिश्तों के सहारे से दिमश की मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर उतरेंगे, और फजर का वक्त होगा, फिर वहाँ सीढ़ी लगाई जाएगी, उससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नीचे उतरेंगे। हजरत मेहदी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होंगे, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे हजरत मेहदी कहेंगे आप इमामत फरमाएं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी है, आप ही इमामत करें। हजरत मेहदी की इमामत में आप नमाज अदा करेंगे। उसके बाद दज्जाल से कत्ल के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम निकलेंगे, हजरत मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 2 साल जिंदा रहेंगे। हजरत ईसा अमीर होंगे और हजरत मेहदी वजीर होंगे, 2 साल आपके साथ रहेंगे, 2 साल के बाद आपका इंतकाल होगा, बैतुल मुकद्दस में आपको दफन किया जाएगा, वहाँ उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। ये सारी तफसीलात हदीस की किताबों में मौजूद है, जितने इस वक्त दावा कर रहे हैं आप उनको देख लें, एक भी अलामत उनके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग धोखे में आ जाते हैं, उन्हीं को मेहदी मान रहे हैं, उन्हीं को ईसा मान रहे हैं, और ऐसा उन पर असर हो रहा है जो मुख्तलिफ वीडियोस आप भी देख रहे होंगे, शकील बिन हनीफ को मानने वाले लोग उनको कितना भी समझाएं हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, इसलिए हमें एक तो सबसे पहले दिल के अंदर ये इरादा रखें कि जब हजरत मेहदी आएंगे और हमें पता चल जाएगा और यकीनन मालूम हो जाएगा, हम अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह हमें हजरत मेहदी की लश्कर में पहुंचा दीजिए, हजरत मेहदी की जमात में पहुंचा दीजिए। अल्लाह से मांगते तो रहें, बड़ी बेहतरीन जमात होगी हजरत मेहदी के साथ, मुल्क शाम के, मुल्क इराक के अब्दाल औलिया ये सब हजरत मेहदी के पास पहुंच जाएंगे और सब आप पर बैत करेंगे। हमारे अकाबिरीन अपने अपने दौर में हजरत मेहदी की तलाश करते रहे और दुआएं मांगते रहे और अपनी तरफ से जो हो सकता था किया करते थे, जैसे दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती रफ़ी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकरमा पहुँचे और वहाँ के जो काबतुल्ला के दरवाजे के जो चाबी जिस ख़ानदान में आज तक चला आ रहा है और क़यामत तक चलेगा, और सिर्फ जालिम ही उनसे वो चाबी लेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई की है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अता किया था उनको वह चाबी, उसकी जिम्मेदारी। तो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके पास पहुँचे और उनसे कहा कि एक तो ये कुरान मजीद है, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है बिल्कुल पक्की है कि ये चाबी हमेशा आपके पास ही रहेगी, तो आपका ख़ानदान बाकी रहेगा। इसलिए ये कुरान रखें। और इसी तरह एक तलवार दी और कहा कि जब हज़रत मेहदी आएंगे उस वक्त ये कुरान उनके हवाले कर देना और ये तलवार उनके हवाले कर देना, शायद मैं उस वक्त रहूँ या ना रहूँ लेकिन कम अज़ कम मेरी तलवार उस लश्कर में पहुँच जाए। उज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत मेहदी पर बैत करने के लिए अगर तुम्हें बर्फ़ पर घिसट कर आना पड़े तब भी तुम वहाँ पहुँचने की कोशिश करो। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों दिलों के अंदर तो ये जज्बा होना चाहिए कि जब हज़रत मेहदी निकलेंगे और उनका जहूर हो जाएगा और पूरी अलामतें पाई जाएंगी, हम जहां भी रहे दुनिया इधर से उधर हो जाए हम वहां पहुंचने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और अभी से अल्लाह से मांगते भी रहे और इन तमाम फितनों से जो इस वक्त हैं, जाहिरी फितने हैं बातिनी फितने हैं, उन तमाम फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते रहे। सूरह काफ कम अज़ कम सूरह काफ हर जुमा पढ़ा करें। हमारे अकाबरीन का तो कहना है कि अब तो सूरह काफ रोजाना पढ़ना है, इतने फितने हैं पता नहीं किस फितने में मुबतला हो जाए, बस अल्लाह ही अपनी हिफाजत में रखे। इसलिए सूरह काफ हर जुमा पढ़ना चाहिए। पूरी सूरह काफ नहीं पढ़ सकते, कम अज कम शुरू की 10 आयतें और आखिरी की 10 आयतें हर जुमा पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाह इसकी बरकत से दज्जाली फितनों से हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम जाहिरी बातिनी फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हज़रत मेहदी की जमात में हमें शामिल फरमाए, हज़रत ईसा की जमात में हमें शामिल फरमाए। और अल्लाह ताला यहूदियों की साजिशों से दज्जाली फितनों से अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह ताला ज़रा बैठ जाए, इंशाअल्लाह ताला आने वाले इस जुमेरात को 26 जनवरी का मौका है, यौम जमहूरिया का मौका है, तो उस मौके पर इंशाअल्लाह हमारी इसी मस्जिद में एक शानदार जलसा करने का इरादा किया गया है, जिसमें हमारे महल्ले नीलसंद्रा के जितनी बच्चियां हों या बच्चे हों 8वीं 9वीं 10वीं जमात में या 8, 9, 10 में जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वो अगर उनके नंबरात गुज़िश्ता साल 80 या उसके ऊपर उन्होंने फ़ीसद हासिल किए परसेंटेज हासिल किया है तो उन सब को इंशाअल्लाह ताला यहाँ इनाम से नवाजा जाएगा। और इसी तरीके से एक और प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें आप अपने बच्चों को शामिल करने की कोशिश करें। गुज़िश्ता जुमा भी ऐलान किया गया था कि सूरह फातिहा और 3 कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 कुल जो आम तौर पर हम नमाज में पढ़ते हैं, और इसी तरह अजान और रुकू सजदे की तस्बीह, इतनी चीज़ें तजवीद के साथ तर्जमे के साथ इन बच्चों को और इन 9 साल से कम उम्र की बच्चियों को रिकॉर्ड करके और इसी तरह सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़कर वीडियो रिकॉर्ड करके उनको भेजना है। कुछ नंबरात हैं जो बाहर भी लगाए गए हैं, मदनी दस्तरखान के ज़िम्मेदारों से भी आप हासिल कर लें। उन नंबरात पर 23 तारीख से पहले 20/3 तारीख आखिरी डेट है, उस वक्त तक जितने पहुँचाएँगे उन सबको भी इंशाअल्लाह ताला इस होने वाले जलसे में इनामात से नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला इस होने वाले जलसे को कामयाब फरमाए, आफियत के साथ अल्लाह ताला मुकम्मल फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।